छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती पर आगरा किले में पहली बार आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। पुणे में थीम पार्क शिव सृष्टि का केंद्रीय गृह मंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, छत्रपति से आने वाली पीढ़ियां लेंगी प्रेरणा। अमित शाह ने महाराष्ट्र कोल्हापुर में की विजय संकल्प रैली। कहा, 2024 में होगा एक समृद्ध और सशक्त भारत बनाने का चुनाव। 2014 से पहले देश में व्याप्त अव्यवस्था, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के लिए यूपीए सरकार पर किया हमला। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में 24-25 फरवरी को होगी आयोजित। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो संपत्ति और सीमा पार भुगतान प्रणाली को लेकर होगी खास चर्चा। दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के सामने नहीं पेश हुए मनीष सिसोदिया। बजट तैयारी की व्यस्तता का दिया हवाला। मांगी मोहलत, भाजपा ने किया हमला। कहा, कब तक बचेंगे घोटालेबाज। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली को लेकर भाजपा एनपीपी आमने सामने। मेघालय के तुरा में 24 फरवरी को पीए संगमा स्टेडियम में नहीं मिली रैली की इजाजत। भाजपा ने कहा, अमित शाह के दौरे के बाद घबरा गए हैं मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त हुआ पूरा। एनडीआरएफ की आखिरी टुकड़ी स्वदेश लौटी। तुर्की सीरिया में अब तक भूकंप से 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भूकंप के 13 दिन बाद तुर्की ने दो प्रांतों को छोड़ देश में बचाव कार्य किए बंद। और दिल्ली टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी मात। रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 42 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट चटकाए। 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बनाई बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती पर देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण सरकार वाड़ा का उद्घाटन किया, तो पीएम मोदी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती पर आगरा से लेकर नागपुर तक उनके अप्रतिम शौर्य और अदम्य साहस को याद किया गया। ये पहला मौका है जब आगरा के किले में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में पारंपरिक अंदाज में सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर जश्न के रंग में नजर आए। आगरा किला का शिवाजी के जीवन में विशेष महत्व रहा है। साल 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा दरबार में बुलाया था, लेकिन उचित सम्मान नहीं मिलने पर शिवाजी ने विरोध जताया तो धोखे से उन्हें बंदी बना लिया गया था। लेकिन शिवाजी औरंगजेब के कैद से बच निकले और सकुशल रायगढ़ वापस पहुंच गए। उन्होंने दक्षिण में कई राज्यों पर आधिपत्य जमा लिया था और उसके बाद 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ। 19 फरवरी 1630 में शिवाजी का जन्म शाहजी राजे भोंसले और जीजाबाई के घर शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था और उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। छत्रपति शिवाजी के जन्म जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में छत्रपति के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण सरकार वाड़ा का उद्घाटन किया। ये पार्क पर्यटकों को शिवाजी की वीर गाथा से परिचित करवाएगी। 21 एकड़ में फैले इस पार्क में 3D तकनीक का प्रयोग कर शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया जाएगा। अम्बे गांव स्थित इस पार्क को 438 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने का था। स्वराज को स्थापित कर उन्होंने पूरे उस कालखंड की दुनिया में एक संदेश भेजा था कि हिंदुस्तान पर इस प्रकार से कोई अत्याचार नहीं कर सकता।
प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी के साहस एवं सुशासन पर उनके विचारों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों की निरंकुशता और धार्मिक उत्पीड़न की नीतियों के खिलाफ स्वराज की स्थापना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2024 का आम चुनाव भाजपा की जीत के साथ महान भारत की रचना का भी चुनाव है। ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और दो तिहाई बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं, ये चुनाव फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है, समृद्ध भारत की रचना का चुनाव। और अमित शाह ने यूपीए शासन काल की याद दिलाई और कहा कि आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिस सरकार में फैसले की कोई प्रक्रिया नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम, हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनते थे, आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ कर आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उससे पैरों से अपमानित करते थे और दिल्ली का दरबार चुपचाप बैठा हुआ। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर पद के लिए विचारधारा को छोड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आज असली शिवसेना भाजपा के साथ आ चुकी है। अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है, शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित सभी शराब आहातों शॉप बार पर मदिरा पान की सुविधा खत्म करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से भी शराब दुकानों की दूरी को 50 से बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में जितने भी आहाते हैं सभी आहातों को बंद किया जा रहा है, कोई आहाता प्रदेश में चालू नहीं रहेगा। इसी तरह से जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं, आहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी, दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। बिहार की राजधानी पटना में पार्किंग विवाद के चलते गोलीबारी की घटना सामने आई है। पूरा मामला जेठुली क्षेत्र का है। फिलहाल गोलीबारी में 5 लोगों को गोली लगने की बात कही जा रही है, जिनमें से एक की मौत की खबर है। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। विवाद के बाद एक घर और कम्युनिटी हॉल में आग लगा देने की घटना भी सामने आई है। लोगों के बीच हैरानी इस बात को लेकर है कि तकरीबन 50 राउंड गोलीबारी होने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। वो लोग आए मतलब हसबे हथियार के साथ और हवाई फायरिंग करने लगे। के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जी थाने की उपस्थिति में हवाई फायरिंग की गई
और हम लोग को बोला गया कि आप पीछे हट जाइए, हम लोग पीछे हट गए। उसके बाद थाने को क्रॉस करके थाने के आयो थे विद्या बाबू और विनोद कुमार यादव नदी और 112 उसके क्रॉस करके हम लोग को खड़ेद कर मारा गया। हम लोग भाग रहे थे, वो लोग खड़ेद कर मार रहे थे गोलियों से। गाजियाबाद में लोनी के रूपनगर चौकी इलाके के निर्माणाधीन साइट पर लेंटर गिर जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस, फायर सर्विस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ को भी घटना की सूचना दी गई, उसकी टीम भी राहत कार्य के लिए वहां पहुंची। घायल मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अपनी व्यस्तता का हवाला देकर उन्होंने सीबीआई से कुछ मोहलत मांगी है, जिसे सीबीआई ने स्वीकार कर लिया है। समय मांगने के मामले में भाजपा ने मनीष सिसोदिया पर हमला किया और कहा कि वो सवालों से बच रहे हैं। दिल्ली की आबकारी नीति में गड़बड़ी और घोटाले को लेकर के मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। हालांकि उन्होंने सीबीआई को सूचित किया है कि दिल्ली का बजट बनाने में वे व्यस्त हैं और उन्हें कुछ दिन की मोहलत चाहिए। दिल्ली का अगला एक साल का बजट अभी मैं तैयार कर रहा हूं और फाइनल स्टेज पे है बजट की सारी तैयारी। फरवरी के एंड तक मुझको वो तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, तो इसीलिए मैंने सीबीआई के ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया है कि भाई आपकी हर पूछताछ में मैंने सहयोग किया है, मैं आगे भी करूंगा। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि बजट की एक हफ्ता 5 दिन ये फरवरी के एंड में मुझे फिर से बुला लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई ने फिलहाल पूछताछ के लिए नई तारीखों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन मनीष सिसोदिया की दलील को मानते हुए कुछ दिन की मोहलत जरूर दी है। इधर भाजपा ने मनीष सिसोदिया पर राजनीतिक हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा ने कहा कि वे पूछताछ से भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी। शुरुआती दौर से पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, फिर मामले को डाइवर्ट करना, किसी भी सवाल का शराब घोटाले पर जवाब न देना, जांच को प्रभावित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाना और अब बहानेबाजी पर उतर आई है आम आदमी पार्टी। और जिस प्रकार से बड़ा मुनाफा कराया गया और ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हुई, इसके भी प्रमाण सामने आ चुके हैं। और ये सारा घोटाले का पैसा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इन तमाम सवालों से भागने के लिए, छिपने के लिए आज मनीष सिसोदिया फिर से एक बहाना बना रहे हैं। यह दूसरा मौका है जब सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति में गड़बड़ी के मामले में मनीष को पूछताछ के लिए समन भेजा है। सीबीआई द्वारा जारी चार्जशीट में फिलहाल मनीष का नाम शामिल नहीं है, लेकिन वे मामले में आरोपी हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर 2022 को मनीष से पूछताछ की गई थी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 नवंबर 2021 में लागू हुई थी, लेकिन घोटालों और गड़बड़ी की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई 2022 में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। उसके बाद 31 जुलाई को केजरीवाल सरकार को आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी थी। वापस की गई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के राजस्व में 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान के आरोप दिल्ली की प्रदेश सरकार पर लगे हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया ने शनिवार को पूछताछ में सहयोग करने का दावा किया था और एक ट्वीट भी किया था, लेकिन रविवार को उनको अचानक से बजट की व्यस्तताएं याद आना विपक्षी दलों को वार करने का मौका दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। G20 भारत की अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले 22 फरवरी को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता अजय सेठ, सचिव आर्थिक कार्य और डॉक्टर माइकल डी पात्रा, उप गवर्नर RBI द्वारा की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर G20 FCBD की बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक से ठीक पहले आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने DD न्यूज से खास बातचीत की है। G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों FMCBG की पहली बैठक दिनांक 24 और 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटका में आयोजित की जाएगी। भारत के माननीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से
इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले दिनांक 22 फरवरी को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता सचिव आर्थिक कार्य भारत सरकार और उप गवर्नर RBI द्वारा की जाएगी। श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री भारत सरकार G20 FCBD की बैठक का उद्घाटन करेंगे। मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा के लिए स्टेडियम नहीं दिए जाने पर भाजपा और NPP आमने सामने आ गए हैं। 24 फरवरी को PM मोदी की एक रैली तुरा में प्रस्तावित थी। PA संगमा स्टेडियम के लिए भाजपा ने इजाजत मांगी थी, जिसे प्रशासन द्वारा ये कहकर ठुकरा दिया गया कि स्टेडियम निर्माणाधीन है। इस पूरे मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने पलटवार किया है। वी हैड अप्लाइड फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज रैली परमिशन इन तुरा। वी हैव रिसीव्ड दिस लेटर जहां पे ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी की रैली तुरा के PA संगमा स्टेडियम में अलाउड नहीं हो सकती, और उसका कारण यह बताया गया है कि यह स्टेडियम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा सवाल यह है कि अगर PA संगमा स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ है PM की रैली के लिए इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो 16 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर CM कॉनरेड जी ने उस स्टेडियम का उद्घाटन किस हिसाब से किया? भारतीय क्रिकेट टीम नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। टीम का संग्रहालय में स्वागत किया गया। इस मौके पर कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ सहित टीम के सभी सदस्य मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सोमवार को कर्नाटक के उडुपी जिले में बूथ स्तर के एक बैठक में शिरकत करेंगे। उसके बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को वे चिकमंगलूर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंगलवार को वे हासन जिले में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे श्रृंगेरी मठ जाकर आशीर्वाद भी लेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को से पहले पार्टी अध्यक्ष का ये दौरा तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। ऊना पहुंचने पर उनका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी देश की जनता PM मोदी को सत्ता सौंपेगी। उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष PM मोदी के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी करता रहा है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। एक बार नहीं, कई बार पहले भी ये प्रयास विपक्षी दलों ने किया है, एक बार फिर करके देख सकते हैं। ये मोदी जी के आगे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा है। कोविड की समस्या से बाहर निकालकर अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार के साथ दुनिया में सबसे आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भारत की ओर दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर सके, और भारत एक बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
दिल्ली के जामिया हमदर्द में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संबोधित किया। ये संगोष्ठी दिवंगत प्रोफेसर अबुल हसन सिद्दीकी के जीवन और कार्यों को लेकर आयोजित की गई थी। संगोष्ठी में कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में शिक्षा और मानवीय मूल्यों पर चर्चा की। मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली की तरफ से मैथिली साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक महोत्सव में अनेक सांस्कृतिक एवं भाषागत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अकादमी के उपाध्यक्ष संजीव झा ने कहा कि भाषा के विकास के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों की रुचि भी आवश्यक है। मिथिला क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, लोग माइग्रेट करके शिक्षा रोजगार आदि के कारण बाहर जाकर के बसे हैं और अपने साथ साथ वो अपने यहाँ की संस्कृति और उसकी परंपराओं को भी लेके गए हैं। लेकिन आजकल की जेनरेशन में मिथिला की पुरानी संस्कृति को लेकर के थोड़ी बहुत उदासीनता सी आई है। उसी संस्कृति को लेकर के जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोलकाता से 14 फरवरी को शुरू हुई भारत बांग्लादेश शांति और मित्रता को दिखाती साइकिल रैली 21 फरवरी को भाषा शहीद स्मारक पर सम्मान देने के लिए ढाका पहुंचेगी। लोग रास्ते में शांति, मैत्री और बंगाली मातृभाषा के गीतों का आनंद उठा रहे हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के पर्यटकों ने आज असम के ग्वालपाड़ा जिले में श्री सूर्य पहाड़ को देखा। ये पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के देवी देवताओं की मिट्टी और पत्थरों से बनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल है। पर्यटकों में स्विट्जरलैंड के 26 और जर्मनी के 2 नागरिक शामिल हैं। पर्यटकों ने श्री सूर्य पहाड़ स्थित बौद्ध मठ, स्तूप, पत्थर की गुफाओं के उत्खनन स्थल और दशभुजा मंदिर को भी देखा। पर्यटकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हस्तकला प्रदर्शनी का आनंद भी लिया। बाद में ये क्रूज रेशम के लिए मशहूर कामरूप जिले के सुआलकुची पहुंचेगा। सुआलकुची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये बुनकरों का गांव है जो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 115 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय स्पिन गेंदबाजों के आगे पूरी तरह से असहाय नजर आई। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 61 रन के आगे खेलना शुरू किया। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लाबुशेन जल्दी ही पवेलियन लौट गए। हेड ने 43 और लाबुशेन ने 35 रन बनाए। इसके बाद स्टीवन स्मिथ और रेनशॉ को आउट कर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डाल दिया। 5 विकेट गंवाने के दबाव से ऑस्ट्रेलियाई टीम उबर नहीं पाई। इसके बाद रविंद्र जडेजा की फिरकी का जादू देखने को मिला और एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। उन्होंने एक ही ओवर में हैंडस्कॉम और कमिंस को आउट किया। इसके बाद नाथन लियो और मैथ्यू कुहिनमान को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 113 रन पर समेट दी। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 3 विकेट लेने में सफलता पाई। पहली पारी में 1 रन की बढ़त बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 115 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। केएल राहुल 1 रन बनाकर जल्दी ही आउट हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने पुजारा के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने की कोशिश की। हालांकि रोहित 31 रन बनाकर रन आउट हो गए। वहीं विराट कोहली ने संभल कर खेलते हुए पारी को संभाला। इसी बीच विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 25,000 रन पूरे किए। हालांकि वे 20 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए श्रीकर भरत के साथ मिलकर पुजारा ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाकर टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। पुजारा 31 और भारत ने 23 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टेस्ट फॉर्मेट में भारत की यह ऑस्ट्रेलिया पर 32वीं जीत थी। इसी के साथ किसी एक टीम के खिलाफ ये भारत की सबसे ज्यादा टेस्ट जीत हो गई। मैच में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।
और एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने कोई पदक जीता है। रविवार शाम खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत को चीन से 2-3 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। सेमीफाइनल में भारत के एचएस प्रणॉय और पीवी सिंधु को एकल प्रतियोगिता में मिली हार के बाद पुरुष युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी को भी जीत मिली। इसके बाद त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भी महिला युगल स्पर्धा में जीत हासिल की। हालांकि मिक्स डबल्स में ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को सीधे गेम्स में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत का स्वर्ण पदक जीतने का सपना भी टूट गया है। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।